उसके लिए सारे रेडी हो रहे हैं और आपने देखा होगा सारा सारे जो है उस पर फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं क्योंकि आप देख लें इसके बाद बैक टू बैक टिकट है तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है और हर एक बंदा एक्साइटेड है। ओके बाबर जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। सबसे पहले तो आपको हज की मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को शर्बे कबूलियत बख्शे। क्वेश्चन रिलेटेड ये है कि श्रीलंका का टूर जाहिर है कि आपके लिए कि टेस्ट सीरीज भी है और टेस्टिंग भी है, अपकमिंग जो आ रहे हैं मेगा इवेंट्स उनके लिए आप क्या समझते हैं कि आपके कम्बिनेशन को चेक करने का एक बेहतरीन मौका होगा और क्या ये सीरीज आपके लिए जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो है उसके लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन होंगी? थैंक यू। आज लास्ट टाइम भी हम श्रीलंका गए थे, काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशन थी, हाँ, लेकिन उसमें यह था कि काफ़ी अच्छा हमने डोमिनेट किया था, जिस तरह गोल्फ़ की जो ग्राउंड थी जहाँ पे हमारे मैच हुए थे दो, तो उसमें हमने 350 प्लस चेस किया था, तो थोड़ी कंडीशंस का पता है और यहाँ पे भी उसी कंडीशंस को सामने हमने प्रैक्टिस किया और कोशिश ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और जो पास में मिस्टेक्स हुई हैं उससे सीखा है, कहाँ हमने और बेहतरी करनी है और कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं उसको मजीद अच्छा करना है। बाबर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। रिसेंटली पिछले हम देख रहे हैं जिस तरह इंग्लैंड ने ट्रेंड चेंज किया है कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है, यहाँ भी ऑब्जर्व किया कि मुख्तलिफ वैराइटीज ऑफ शॉट्स आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान टेस्ट टीम भी रन बनाने की रफ्तार जिसको हम बेसबॉल भी कहते हैं, बट ऑफकोर्स बेसबॉल अगर ना 6 के एवरेज से ना खेले स्ट्राइक रेट से 4-4.5 के स्ट्राइक रेट से खेले और एग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड मैच की तरफ जाए कि चाहे आइदर वे हो रिजल्ट बट रिजल्ट तो ड्रॉ ना हो, तो क्या हम अपनी अप्रोच टेस्ट क्रिकेट में वाली ला सकते हैं जो जिस तरह की इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया भी खेलने लग गया है? देखिए अप्रोच हमेशा एज अ टीम और एज अ कप्तान यही होती है कि हमने मैच जीतना है, रिजल्ट हमेशा यही होता है कि रिजल्ट आए, हर टीम का अपना माइंडसेट होता है, हर टीम अपने तरीके से खेलती है और कोशिश यही होती है कि जो हमारी बेस्ट गेम है उसको अप्लाई किया जाए और जहाँ तक रही बात है हर टीम का देखें उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ और बाकी टीमें भी जो हैं वो अपने सेटअप के साथ ही अपने जो उनकी गेम है उसी तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह हमने गोल्फ में जिस तरह फॉर एग्जांपल गोल्फ में हमने 360 जो चेस किया वो अपनी गेम के साथ ही किया और बिल्कुल इस चीज़ में होता है कि कभी कभार आप 3 या 4 के रन रेट से भी खेलते हैं, कभी कभार आपको थोड़ा सा डिफेंसिव भी खेलना पड़ता है, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट सिचुएशन जो रिक्वायर्ड होती है जो टीम को रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से आप खेलते हैं। बिल्कुल हर दिन आप सीखते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं कि नई चीज़ ऐड करें। अच्छा बाबर, श्रीलंका की जो क्रिकेटिंग कंडीशन होती हैं बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा, तो उसके लिहाज से आपने कोई खास अपनी को प्लानिंग की है? प्लानिंग हर बार ही होती है, हर टू बस भी होती है और प्लानिंग बिल्कुल क्योंकि हमारे पास जो वहाँ पे जो हम मैचेस खेले हैं वो उसका हमें एक्सपीरियंस है और दूसरा मिकी आतर भी वहाँ के कोच रहे हैं तो उनसे भी फीडबैक लेंगे कि वो कहाँ वहाँ की कंडीशंस क्या और बेहतर उसमें हम कैसे अच्छा खेल सकते हैं और कैसे हम डोमिनेट कर सकते हैं, तो ये इस पर हम काम कर रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, हर प्लेयर उसी तरह से ही प्रैक्टिस कर रहा, फास्ट बॉलर वैसे ही उस तरह जहाँ वहाँ रिक्वायर्ड है लेंथ तो वो चीज़ वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैट्समैन मोस्टली आपको पता है वहाँ पे स्पिनर डोमिनेट करते हैं, विकेट थोड़ा सा स्लो होता है, मैं स्पेशली गोल्फ की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाबर आपको हज की मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बार बार ये बार बार सादत दे के आप हज पे जाएं। मेरा सवाल ये है कि अगर हम आखिरी एक साल देख लें, जब आप श्रीलंका से टकराएंगे तो एक साल हो चुका होगा, इस दौरान हमने 9 मैचेस खेले, सिर्फ एक विक्ट्री हमें श्रीलंका के खिलाफ मिली, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो समझते हैं कि पाकिस्तान जीत नहीं पा रहा, अल्लाह करे कि अब आप जा रहे हैं वहाँ पर विक्ट्री मिले, अगर खुदा ना खास्ता हम ये सीरीज हाथ से जाती है तो आप गौर करेंगे कि आप कप्तानी किसी और को सौंप दें? अगर हम नहीं जीत पा रहे, मुसलसल एक साल नहीं जीत पा रहे, तो फिर कप्तानी का भी तो फॉल्ट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखें जो अगर पास की बात करें, बिल्कुल हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली इसलिए मैच ही नहीं जीते, थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस थी क्योंकि कुछ इंजरीज की वजह से हम थोड़ा सा लैग किए, क्योंकि जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे तो आप मैच ही नहीं जीतेंगे और
वहाँ पे सीरीज ड्रॉ हुई थी, हारे नहीं थे, इंशाल्लाह इस बार ही कोशिश करेंगे कि जीतें। और जहाँ तक रही आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो मेरा बेस्ट है वो मैं दे रहा हूँ और ये डिसीजन पीसीबी का है, तो आप ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर उनसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा वो सवाल दे देंगे आपको। अच्छा, अभी हम लोगों का नई टेस्ट चैंपियनशिप का स्टार्ट है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। ऑब्वियसली पिछले साल 3 होम पे सीरीज थी, हम उनको उस तरह कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इस दफ़ा खैर होम पे भी हैं, अवे भी हैं, तो इस टेस्ट चैंपियनशिप को अप्रोच करने मतलब किस तरह की अप्रोच होगी थ्रू आउट द साइकिल 2 सालों के लिए? और इस साल जो है वर्ल्ड कप और एशिया कप भी है, लेकिन 5 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस भी हैं, मतलब इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो टेस्ट मैचेस में किस तरह की अप्रोच पाकिस्तान लेके जाएगी? और स्पेशली रिसेंटली पाकिस्तान वे के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई कि एक नया तरीका पाकिस्तान खेलने का लेकर आएगा, तो उस हवाले से टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्या अप्रोच होगी, उस पर थोड़ा सा बात करें। देखिए, जब भी आप कोई भी चैंपियनशिप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप पॉजिटिव चीज़ें को देखते हैं कि पॉजिटिव क्या हमने की थी, और मेन चीज़ ये है कि हम कहाँ लैग किए थे और कहाँ पे हम थोड़ा सा जिसकी वजह से हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, कहाँ पे हम लैग कर रहे थे, वो चीज़ों पे ज़्यादा काम किया। थोड़ा सा जो है पार्टनरशिप्स पे काम किया कि जितनी अगर पार्टनरशिप आपकी लगी उसको लंबा लेके जाएं, और दूसरा बॉलिंग में भी पार्टनरशिप चाहिए होती है, क्योंकि जब आप को आउट करना होता है तो आपको थोड़े से मेहनत आवर करने पड़ते हैं, तो उस पर भी हमने काफ़ी काम किए। तो बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव है, नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है और कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव वे में स्टार्ट करें। और बिल्कुल हमारे जो डिस्कशन हुई थी उसमें यह था कि हम जो हमारी गेम है उससे हम 5 या 10% और जो हमारी गेम है उसको एनहेंस करें, उसको और निखारें, कि हम जो मैचेस हैं उसमें जो 3.5 के साथ जाते हैं हम 4 के साथ जाएं और उसको ले कर चलें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो मैच स्टार्ट हो रहे हैं उसमें चीज़ अप्लाई करें। बाबर, ये श्रीलंका का टूर जो है ये एशिया कप से पहले हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जी आपको टेस्ट मैचों में जो प्रैक्टिस मिलेगी, जाहिर बात है कि पाकिस्तान के मैचेस वहाँ इंडिया से और दूसरी टीमों से हैं, तो उससे कितना बेनिफिट होगा? जाहिर बात है सारे प्लेयर जो हैं वाइट बॉल के उसमें नहीं हैं, लेकिन इसमें भारत काफ़ी लड़के हैं, तो उसका कितना बेनिफिट होगा इस टूर का? बेनिफिट देखें हमेशा होता है, और देखें जब भी आप कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं वहाँ जाके आपको उससे पहले मैचेस मिल जाते हैं, तो एक एच मिलता है आपको कि वहाँ की कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन देखिए फॉर्मेट चेंज है, टेस्ट मैच जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट माइंडसेट से खेला जाता है, डिफरेंट जो है वो टैक्टिक्स से खेला जाता है। वो 5 दिन आपको गुजारने होते हैं, क्योंकि डे बाय डे वो आप देख लें उधर थोड़ा सा विकेट स्लो हो जाती है, तो वनडे में डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं, तो बिल्कुल उससे हेल्प मिलेगी। लेकिन इसमें जो मिकी आर्थर उसमें उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो 2 साल उनके कोच रहे हैं, वहाँ रहे हैं, उनको कंडीशंस का पता, तो उनसे वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ें हम भी लुक आफ्टर करेंगे कि वहाँ हमारी वाइट बॉल क्रिकेट होगी, तो उसको जितना हम वहाँ समझें यहाँ पे क्या किस तरह की क्रिकेट खेली जाएगी वो काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। बाबर, आपको हज की तो मुबारकबाद मिल गई, यकीन आपने सबके लिए दुआएं की होंगी। सवाल मेरा ये है कि ये टीम जो अनाउंस हुई है उसमें कंसेंसस मतलब सबका शामिल था, या आपकी कोई मतलब चॉइस थी जो टीम में नहीं आई, या ऐसा कोई लड़का रह गया? दूसरे ये कि देखें वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया, वर्ल्ड कप भी है फिर एशिया कप भी है, और उसके साथ साथ आप टेस्ट चैंपियनशिप में भी जा रहे हैं, और लास्ट टाइम हम इतने पॉइंट्स हासिल नहीं कर सके थे टेस्ट चैंपियनशिप में, हम मतलब अपना टारगेट जो है अचीव नहीं कर सके, तो ये 2 चीज़ें मतलब 3 चीज़ें हैं, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, वर्ल्ड कप, एशिया कप और ये टेस्ट चैंपियनशिप? और दूसरा ये कि टीम का बताइएगा कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको आप चाहते हैं, यकीन आपसे मशवरा किया होगा, क्या समझते हैं? देखें जहाँ तक सिलेक्शन की बात होती है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, और जो मुझे यहाँ टीम के लिए बेस्ट होता है वो मुझे मिलता है, और पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी मुझे वो उस पर मुझे बैक करते हैं, और हमेशा मुझे उन्होंने जो मेरी रिक्वायर्ड हुई एज अ कप्तान उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और वही लड़के मुझे दिए। और बिल्कुल देखें सीज़न काफ़ी लंबा है, जिस तरह आपने बात की थी बिग जो है टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो देखें उसके लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आप
हर चीज़ के लिए रेडी होते हैं, हर कंडीशंस के लिए रेडी होते हैं और हर कंट्री में जाके खेलने के लिए रेडी होते हैं कि किसी भी टाइम कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ता है। और मेन चीज़ है माइंडसेट, आप जितना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतनी अच्छी आप परफॉर्मेंस देंगे। और इस टीम में यही है कि हम एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर, जो दौरा श्रीलंका के लिए जो ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए हैं वो 4 रोज़ा है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो वो चले भी जाएंगे, कल शादी भी है हारिस के, तो क्या आपके ख्याल में इस टूर के लिए सिर्फ 4 दिन ट्रेनिंग कैंप्स इनफ है? मेरे ख्याल से उससे पहले 2 वीक पहले लाहौर में भी कैंप लगा है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी इनफ था, वो मेरे ख्याल से 2 वीक्स का था, वहाँ पे भी प्रिपरेशन हुई है। इवन वहाँ पे रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों का, ये जब टीम अनाउंस हुई तो ये जो 16 प्लेयर्स थे ये वो आए हैं, वो ऑलरेडी वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस की। यहाँ पे भी हमें जो है वो 4 दिन इनफ मिले, हम 2 सेशन करें सुबह में और शाम में, और वहाँ पे भी हमें एक प्रैक्टिस मैच मिलेगा और टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले हमें भी 7 से 8 दिन मिलेंगे, तो गुड इनफ है। बाबर, आपने कहा कि ये जो सिलेक्शन हुई है इससे आप मुतमईन हैं काफ़ी हद तक, अभी क्योंकि चेंजेस आ रही हैं, पता नहीं हारून रशीद होंगे, तो ये बैक टू बैक जो चेंजेस हो रही है बीइंग ए कैप्टन आपके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर है, एक नई सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठना, फिर उनका माइंडसेट समझना, फिर वो नए लड़के बनाना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है बीइंग कैप्टन के इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, शफलिंग हो रही है मैनेजमेंट के अंदर? देखिए हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हम कोशिश करते हैं क्रिकेट पर फोकस किया जाए, पीसीबी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हम उस पर कम ही फोकस करते हैं, क्योंकि हम एज अ टीम हमारा काम है, क्योंकि पूरे साल का शेड्यूल हमारे पास है कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए हम उसको उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है, जो मुझे चाहिए होता है, वो मैं अपना मैसेज कन्वे कर देता हूँ और वो मुझे मिलता है और इस चीज़ों पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। बाबर, आज हमने देखा सुबह जो है आप रनिंग बिटवीन द विकेट में आप भी शामिल थे, रिजवान ने वो कंपटीशन जीत लिया, शान वस्तु दूसरे नंबर पर रहे, तो कितना मतलब आपने एक्साइटेड था आपके लिए और एक्साइटमेंट थी तमाम प्लेयर्स के लिए जो उस मुकाबले में पार्टिसिपेट कर रहे थे। दूसरा ये बता दें कि आपने बॉलिंग कोच मॉर्निंग मॉलकल को कितना मिस किया, थ्रू आउट वो आपके साथ नहीं रहे, जितनी तेज़ी से चीज़ें चेंजेस हो रही हैं और बॉलिंग कोच भी तब्दील हो गए, आपके जो टीम मैनेजमेंट के लोग भी काफ़ी चेंज हो गए, तो किस तरह इसको एलिब्रेट करेंगे? अब बेसिकली वो कंपटीशन नहीं था, वो ट्रेनिंग थी हमारी और कुछ टेस्ट लिए जा रहे थे, उससे पहले आपने देखा हमने 2 किलोमीटर की भी किया होगा, उसके बाद फिर हमने ये जो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन था, वो सिर्फ ये है कि फिटनेस टेस्ट जो थे हमारे वो लिए जा रहे थे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आगे जो क्रिकेट आ रही है उसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी है फिटनेस के हवाले से, तो बिल्कुल हमने एंजॉय किया। और जिस तरह आपने बात की है कि रिजवान जीत गया, मैं ख्याल से 3रे 4थे भी आया हूँ और दूसरा आपने क्या कहा था, बिल्कुल मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मसले की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन जिस तरह बॉलर्स ने अपनी प्रिपरेशन की है, क्योंकि देखें सारे खेलते आ रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस है, सबको पता है कि कैसे क्या किस चीज़ पे काम करना है, वहाँ की कंडीशंस क्या होंगी और वहाँ पे बॉलिंग किस तरह की होगी, तो मेरे ख्याल से जो हमारी फास्ट बॉलिंग थी उन्होंने उस पे काफ़ी काम किया। अच्छा बाबर, टेस्ट सीरीज़ में हमारे पास 2 विकेटकीपर हैं, रिजवान एज अ नायब कप्तान भी साथ हैं, सरफराज पिछली सीरीज़ के मैन ऑफ द सीरीज़ भी हैं, तो कितना मुश्किल होगा दोनों को सेलेक्ट करना, क्या पहली चॉइस मोहम्मद रिजवान होंगे या फिर आप सरफराज को एज अ बैट्समैन जो है वो फाइनल 11 में शामिल करेंगे? आपको लगता है वो एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं? नहीं तो आप उसमें आपकी चॉइस क्या होगी? देखें चॉइस, देखें अभी बताना टू अर्ली है, जिस तरह सैफी भाई ने जिस तरह आपने बात की लास्ट सीरीज बहुत अच्छी खेली, मेरी कोशिश होगी कि मेरी पहली चॉइस वही होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके देखें किस कम्बिनेशन के साथ खेलेंगे,
क्या बैटिंग लाइन होगी हमारी, तो कोशिश करूंगी जो बेस्ट इलेवन होगी उसके साथ जाएंगे। बाबर नाइट कप्तान का प्लेइंग इलेवन में होना कितना जरूरी होता है, क्या एक लाजमी होता है कि वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो, या अगर नहीं है तो उसको प्लेइंग इलेवन का हिस्सा भी ना हो? वाइस कैप्टन, हाँ मेरे ख्याल से जरूरी नहीं होता। अगर वाइस कप्तान है तो अगर वो ना खेले तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोशिश होती है कि इस टीम में मेरा मानना ही है जो बेस्ट इलेवन होती है उसके साथ जाए, और जो जिस सिचुएशन जो पोजीशन होती है वो हिसाब से हम देखते हैं कि क्या सूट करता है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इतनी मैटर नहीं करती। बाबर सबसे पहले तो आपको आज की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको आगे भी नसीब करे। मुजाहिद सोलंकी KTN न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। सवाल मेरा ये है कि आपने कहा जब टीम सेलेक्ट होती है तो आपकी राय ली जाती है और आपको जो चाहिए होता है वो आपको दिया जाता है। अगेंस्ट इंग्लैंड हमने देखा जाहिद महमूद ने दो टेस्ट मैचेस में 12 आउट किए थे, इब्रार ने भी 12 आउट किए थे, उसके बाद जाहिद महमूद आउट ऑफ सीन हो गए, अभी भी वो प्रैक्टिस सेशन में आपके साथ है, तो जाहिद महमूद के मुस्तकबिल को कहाँ देख रहे हैं? एज अ कैप्टन आपकी वजह से वो बाहर है या सिलेक्शन कमेटी की वजह से बाहर है? देखें ये किसी की वजह से बाहर नहीं होते, ये नहीं कि मेरी वजह से बाहर हुए या सिलेक्शन कमेटी से बाहर होते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट कम्बिनेशन होता है उस हिसाब से चलें, वहाँ पे क्या सूटेबल हो सकता है, किस तरह से जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा स्पिन को थोड़ा सपोर्ट करता है, और हमारे पास दो ऑलराउंडर हैं जिस तरह सलमान अली आगा, नवाज नुमान है और अबरार है, तो कोशिश यही होगी कि जो हमारे बेस्ट जो प्लेयर्स होंगे उसी हिसाब से जाएं, और ये नहीं होता कि मैं किसी का कैरियर डिसाइड करूं या पीसीबी किसी का कैरियर डिसाइड करे, ये अप एंड डाउन चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह वो हार्डवर्क कर रहा है, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड के वो दोबारा वापस आए। बाबर हमारी कोचिंग पैनल से ही कुछ अरसे कबल एक बात हुई थी कि हमारे पास चैंपियन प्लेयर्स तो बहुत हैं मगर चैंपियन टीम नहीं है, एक कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने ये बात की थी, तो ये ज़रा अहमियत होती है इसकी, तो हम सब तो होपफुल हैं कि हम सब चैंपियन बनेगी पाकिस्तान टीम, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा देख रहे हैं? दूसरा जो है आप सिलेक्शन पर बार बार आपसे सवाल ये हो रहा है कि आप एक और नए चेयरमैन आ गए हैं, तो काफ़ी जो माजी के प्लेयर्स हैं वो ये कहते रहे कि जब जब हम टीम से आउट हुए तो हम जक्का अशरफ के पास जाते थे और वो हमारी सिलेक्शन करवा देते थे, थोड़ी सी पॉलिटिकली बैक ली लिया करते थे, तो अब अगर चेयरमैन आते हैं और इस तरह की बातें होती हैं कि कोई प्लेयर अगर टीम से आउट है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो आपका क्या रोल होगा? और ये चेंजेस को आपके पीछे वन नेशन वन पैशन लिखा हुआ है तो पूरी कौम बड़ी परेशान है, 7 महीने में तीसरा चेयरमैन आ गया, तो आप भी तो परेशान होंगे। देखें मैं इन चीज़ों से परेशान नहीं होता, कोशिश करता हूँ कि इवन के टीम भी परेशान नहीं होती है, और उनको पता है कि मेरी बैक है, सिलेक्शन कमेटी की बैक होती है, और मेन चीज़ है कोचिंग स्टाफ की बैक होती है, और हमारी कोशिश होती है कि हमारा काम है क्रिकेट खेलना, और कोशिश करते हैं कि वही उस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाए। अभी तो मैं भी नहीं उनसे मिला, जाके मिलेंगे जब आएंगे, तो ये आप ही बता रहे हैं, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है कि अगर कोई ड्रॉप होता है तो वो उनके पास जाता है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, इस पर मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। दूसरा क्या किया था? बिल्कुल देखें चैंपियन टीम भी है, जिस तरह हमने दो फाइनल, एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, एक एशिया कप का फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली हम फिनिश नहीं कर पाए, वो हमारे उसमें बैक ऑफ द माइंड है कि हम इसको क्यों नहीं फिनिश करें, हम बैठ के बात भी करते हैं प्लेयर्स के प्लेयर्स आपस में भी बात करते हैं, कोच स्टाफ भी बात करता है, तो इसको इंशाल्लाह जल्दी ही ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह फिर आप ही कहेंगे कि ये चैम्पियन टीम है। बाबर लास्ट ईयर प्रभात जयसूर्या ने पाकिस्तानी बैट्समैन को काफ़ी तंग किया था, और कल एक इंटरव्यू में मिकी आथर ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट चाइना चेन्नई में खेलें, तो क्या पाकिस्तानी बैट्समैन को कोई
खौफ हो गया स्पिनर्स का, क्वालिटी स्पिनर्स के खेलने के अगेंस्ट और समथिंग, कि आप लोग नहीं चाह रहे कि चेन्नई में अफगानिस्तान को खेलें, या फिर प्रॉब्लम हो रही है प्रभात जयसूर्या से? आपका जयसूर्या का सवाल है या दोनों सवाल है कि लाइक कोई प्रॉब्लम है कि आप नहीं खेल सकते अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई? मेरे ऐसा नहीं है कि खेल नहीं सकते, हमेशा स्पिन को डोमिनेट ही किया है एशिया में, आपने जिस जितने भी आप बैट्समैन देख लें और ज़्यादा देखें प्रैक्टिस स्पिनर पे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेयर डर रहा है या प्लेयर को कोई इशू होता है, वो हीट ऑफ द मोमेंट देखें, कोई भी बॉलर आपको टफ टाइम दे सकता है, ये नहीं कि स्पिनर कोई फास्ट बॉलर, कोई भी आपको बॉलर टफ टाइम दे सकता है, लेकिन उसमें एज अ बैट्समैन एज अ प्लेयर आपको निकलना आना चाहिए, अगर आपको वो टफ टाइम दे रहा है तो आपको भी उसको जवाब में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा कि आप उसको थोड़ा बैकफुट पे करें, तो ये सारी टैक्टिक्स होती हैं, थोड़ा प्लानिंग होती है उसकी, प्रैक्टिस होती है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेयर्स जो हैं उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह स्पिनर्स पे आपको डिफरेंट नज़र आएगा। बाबर, मैं जावेद इकबाल हूँ 24 न्यूज़ से, आपसे मेरा सवाल है कि एक तो वर्ल्ड कप अब एशिया कप है, इसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, आप नहीं समझते कोई एक पोल बना लिया है कि 25-30 खिलाड़ियों का, उनमें से आपको पता है इन खिलाड़ियों से लेना है, वो एक पोल बना दी जाए ताकि आप लोग को आसानी हो, एक फोकस रहे इन लड़कों पर? दूसरा है कि कल रात को स्नूकर भी खेले आप शाहिद आफरीदी के साथ, तो कैसा रहा मैच? सुना आप हार गए थे मैच। अच्छा जी, देखें बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि आपके कौन से 25 प्लेयर्स होते हैं, वो देखें उन्हीं में से ही सफल होते हैं, उन्हीं में ही तीनों फॉर्मेट में सफल वही प्लेयर्स होते हैं, इन एंड आउट जो चीज़ें होती हैं वो आप देखते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, किसकी परफॉर्मेंस या किसका जो है कौन कितना फॉर्म में है, तो ये देखने हर चीज़ में हर टीम में मोस्टली एक आधी या दो चेंजेस, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होती, मेरा मानना ये है कि जितना आप कंसिस्टेंट एज अ टीम खिलाते हैं उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज आती हैं और उतना ही अच्छा आप खेलते हैं। बाबर, सबसे पहले आपको हज मुबारक हो, आपके साथ रिजवान थे, फ़खर जमान थे, जो मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होगा, दो दफ़ा लगातार आप आईसीसी ट्रॉफी से बस थोड़ा सा रह गए, तो इस हज की सआदत के दौरान को खसूसी दुआएं की वर्ल्ड कप जीतने के लिए कि फाइनली आईसीसी की ट्रॉफी आप होल्ड करें, वो भी इंडिया में जहाँ पर हमेशा पाकिस्तान के क्रिकेट को डिग्रेड किया जाता है। देखें दुआएं तो सबके लिए की हैं, ये नहीं कि एक चीज़ के लिए की, और दूसरा देखें मैं भी काफ़ी सुन रहा हूँ कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ये नहीं कि इंडिया के साथ खेलने जा रहे हैं, उसके अलावा भी 9 टीमें हैं जिसके साथ हमने मैच खेलना है, अगर उनको बीट करेंगे तो हम फाइनल खेलेंगे, हमारा फोकस एक टीम पे नहीं है, हमारा फोकस जो है वो 10 टीमें हैं उनके उन पर फोकस है, और हमारा जो प्लान ये है कि हमने हर टीम के अगेंस्ट अच्छा खेलना है, मैच जीतने हैं तो फिर ही हम फाइनल में जाएंगे, कोई एक टीम पे हमारा फोकस नहीं है, और हमारी जो थॉट ये है कि हमने जहाँ भी क्रिकेट होगी जहाँ पे भी मैच होंगे वहाँ हमने जाके खेलना है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है कि आपको डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेलना पड़ता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके खेलना पड़ता है, तो ये चीज़ें आपको चैलेंज इसी चीज़ को चैलेंज कहते हैं कि आप इस चीज़ को चैलेंज लेते हैं, आप एज अ प्लेयर एज अ कप्तान मेरी ये होती है कि मैं हर कंट्री में जाकर परफॉर्म करूं, वहां पे मैं डोमिनेट करूं, मैं पाकिस्तान को मैच जिताऊं, तो ये हमारे माइंड में है, ये नहीं है कि सिर्फ एक टीम के अगेंस्ट हमने खेलना। थैंक यू। पाकिस्तान कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कौमी टीम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है, खिलाड़ी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ मैच के मुंतजर हैं, कैंप में भरपूर प्रैक्टिस की गई है, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है और भरपूर कारकर्दगी पेश करने की कोशिश करेंगे। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर आवाम परेशान, शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें, बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया, बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है, आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ, बोल बना आवाम की आवाज, अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुतालिका इदारों से मुतालबा।
सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।